नमस्कार आपण मानक पूर्वीस किचन को अनेक अनेक स्वागत जनाऊँ आज मुझे प्रस्तुत करने को जाऊँगी चीना बादाम एवं आलूर तरकारी से आवश्यक सामग्री गुड़िक है मुझे नहीं आलू नहीं मीडियम सैज्र ताकूर क्यूब सैज्र काटि आई दुईट छोट टमाटो गोटे तेजपत्र गोटे शुखिला लंका जीरा गुंड हलदी गुंड लुण एवं गोटे प्याज आनी तेल हाफ कप चीना बादाम एवं तीनोटी कंचा लंका आउ इंचे अदा आई हाफ चमच जीरा गोटा जीरा एवं आम फाइन पेस्ट बनई ना चीना बादाम रो सेदी कंचा लंका टमाटो एवं चीना बादाम आउ अदा ताकू देकी फाइन गोटे पेस्ट बनई ना देखते आम पेस्ट रेडीगलापर भाव में फाइन पेस्ट बन एम कड़ेटी गरम होगला तेल तेल आपन तीन रु चार चमच यूज करेंगे हाफ चमच गोटे जीरा दे देदे फुटापी गोटे सुखिला लंका आ गए तेजपत्र हमें प्याज एड कर दूचे प्याज को भल भाव चल प्याज टी ऑप्शनल अच्छी जदि आप व्रत करे आप प्याज यूज करेंगे ना जहाद्वारा कि आपरुआ भात सहित खाईपर रुटी सहित खाईपर ता बिना प्याज रसुण वाला तरकारी लुण यूज देदेली स्वाद अनुसार आम देखु प्याज गुड़िक रेडिश कलर होगलाड़ूगुड़िकली आलुगुड़ भल भाव चल भल भाव चल ढाकुणा बंद करदे गैस फ्लेम को लो रु मीडियम रखिए हाई करेंगे ना तक आपरी भाव में पांच मिनिट भाजबे मझे मझे ढाकुणा खोलिकी चलई दौथे जहाद्वारा कि आलुटी लगे ना तले एवं से मुझे जीरा गुंड हाफ चमच आ हाफ चमच हलदी गुंड देदेली एवं ताको भल भाव मिसईद ढाकुणा बंद करके किसी समय छाड़ीद देखु ढाकुणा खोलिकी मुझे भल भाव चलईदेवि देखु आमर प्राय आलुगुड़ भजा हो गला पूरा भजा हे ना 50% भजा हम एवं सेम पेस्ट टी देद चीना बादाम पेस्ट टी तापर ताको भल भाव कषि ना गैस फ्लेम को लो रखे भल भाव मिसईद से मिक्सी जार को धोईकी पा देदेली भल भाव मिक्स करदे गैस फ्लेम को लो ही रखिए हाई करेंगे ना कि मीडियम करेंगे ना ना पड़ज देखते यहपर भाव मझे मझे ढाकुणा खोलिकी आप चेक कर दौथे से हेला कि ना देखु प्राय आम आसला चीना बादाम एवं आलूर तरकारी भाव आए छाड़ीदेवी ढाकुणा बंद करके पांच मिनिट देखु आमर हो पूरा चीना बादाम एवं आलूर तरकारी यह खाइबापी बहुत टेस्ट लगी था खासकर रोटी परोटा एवं भात सहित आपण निहाती भाव में ट्राए करेंगे देखो तो आम प्रस्तुत हो गला चीना बादाम एवं आलू तरकारी आलू गुड़ी को मध्य पूरा परफेक्ट सीझी किसी असुविधा नहीं पानी मध्य बहुत कम यूज हो देखु पूरा कसा कसा देखा जा बहुत टेस्टी होता मुझ सर्विंग प्लेट काढ़ी
ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହିପରି ବନେଇବେ ଚିନାବାଦାମ ଏବଂ ଆଳୁର ତରକାରୀଟିକୁ, ଏବଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚିନାବାଦାମ ଖାଆନ୍ତିନି, ଆପଣ ଆଳୁ ସହିତ ଏହିପରି ରାନ୍ଧିକି ଦେବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।